प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के जो वीडियो थे उसके अंतर्गत अपन ने देखा कि अग्नि बीमा के अंतर्गत जो लॉस ऑफ स्टॉक, माल की हानि का किस तरह निर्धारण किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसका दावे का भुगतान किस तरीके से करती है, वो प्रक्रिया अपन ने देखी। आज अपने देखेंगे परिणामी हानि का बीमा, कॉन्सिक्वेंसल लॉस इंश्योरेंस। लॉस ऑफ स्टॉक में केवल माल का बीमा होता है और माल का जो राशि होती है, उसका जो नुकसान होता है, वो उसकी दावे की राशि का भुगतान किया जाता है। जबकि परिणामी हानि क्या होती है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से लाभ की हानि होती है। जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लग जाती है तो उस स्थिति में माल का नुकसान तो होता ही है, इसके साथ साथ हमारे जो सामान्य बिक्री जो होनी चाहिए, जो रूटीन की जो सेल्स होनी चाहिए, वो भी प्रभावित होती है। उस बिक्री में भी कमी हो जाती है। उस बिक्री में कमी होने से हमारे जो है लाभों में कमी होगी, लाभों में कमी होगी तो हमें लाभ की हानि होगी। कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि हमारे स्थिर व्ययों की पूर्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि व्यवसाय की उन सामान्य स्थितियों में आने में कुछ माह लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लाभ की हानि है उसे ही परिणामी हानि कहते हैं। विशेष रूप से इसको हमें समझना होगा कि कॉन्सिक्वेंसल लॉस इंश्योरेंस में तीन परिस्थितियाँ होती हैं। पहली होती है लाभ की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा होता है स्थिर व्ययों की हानि, लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तीसरा, अतिरिक्त कार्यशील लागत, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि। लाभ की हानि यानी कि जो हम सामान्य व्यवसायिक क्रिया के दौरान, यानी कि सामान्य गतिविधियों के दौरान जो हम लाभ कमा पा रहे थे, आग लगने के कारण हम वो लाभ नहीं कमा पा रहे, क्योंकि आग लगने के कारण हमारी जो बिक्री है उसमें कमी हो गई। तो उस स्थिति में बिक्री में कमी होने के कारण हमारे लाभों में कमी हो गई, वो कहलाती है लाभ की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्थिर व्ययों की हानि, लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लॉस ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आग लग जाने के कारण हमारे जो स्थिर व्यय है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, वो तो उसी प्रकार रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी हानि का भी भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब बात आती है स्थिर व्यय कौन कौन से। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन द लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस एट्सेट्रा, इन स्थायी खर्चों का तो हमें भुगतान करना ही होगा, चाहे बिक्री कम हो या उत्पादन कुछ समय के लिए बंद भी हो जाए। तो इन स्थिर खर्चों का जो है इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है, लेकिन इसके अंतर्गत शर्त यह है कि बीमित स्थिर व्यय, आपने इन स्थिर व्ययों में से कितने स्थिर व्ययों का बीमा करवाया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मान लीजिए आपके प्रति माह 5 लाख रुपए स्थिर व्यय, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन आपने इंश्योरेंस जब करवाया तो 3 लाख प्रति माह के स्थिर व्ययों का इंश्योरेंस करवाया। जब दावे की राशि की बात आएगी स्थिर व्ययों की, तो उस स्थिति में 3 लाख को ही कंसिडर किया जाएगा, न कि 5 लाख को, क्योंकि आपने 5 लाख में से जो बीमा करवाया वो 3 लाख का ही करवाया है। अर्थात स्थिर व्यय, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहे कितने हो, उसमें से जितने आपने बीमित करवाए उनका ही इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करने के लिए
दायी है यानी कि रेस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अतिरिक्त कार्यशील लागत, इसका क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियां जो आग लगने के पश्चात भी जारी रखता है व्यवसायी, जिससे आग के बाद की अवधि में बिक्री में होने वाली कमी को रोकने अथवा कम करने के प्रयास करने पर इसके लिए अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। कुछ समय के लिए अन्यत्र भवन को किराए पर लेना, विज्ञापन खर्च, जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग जिस स्थान पर स्थित है उस भवन में आग लग गई, ऐसी स्थिति में वहाँ व्यवसायिक गतिविधियाँ रुक गई। ऐसी आप उस परिस्थिति में उस भवन को कुछ दूसरे भवन में, कुछ नए भवन में या अन्यत्र भवन में स्थानांतरित करेंगे, तो नए भवन में जब आप उसको स्थानांतरित करेंगे तो वहाँ आपको नए भवन का किराया भी देना पड़ेगा। नए भवन के स्थानांतरण के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी देना पड़ेंगे। अन्य हो सकता है कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता हो, वो भी कुछ समय के लिए रखने पड़े, उनका भी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये जो अन्य व्यय हैं, यानी कि नए भवन का किराया या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस या नए कर्मचारी का तात्पर्य ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, हमने भवन अन्यत्र लिया तो हमें वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ी सामान के, तो उसके लिए हमने मान लीजिए एक ड्राइवर रखा गाड़ी का, तो उसका हमें वेतन देना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने। तो वो जो अवधि है, वो जो अतिरिक्त खर्चे किए, वो अतिरिक्त कार्यशील लागत, उसका भी इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी से अतिरिक्त कार्यशील लागत का बीमा करवाया है। तो अब बात आती है, हम सामान्यतः ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, सकल लाभ की। यहाँ सकल लाभ का तात्पर्य है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। विशेष रूप से बात जो समझनी है कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नॉट टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। आपके शुद्ध लाभ में बीमित स्थिर व्यय को सम्मिलित करेंगे वो सकल लाभ कहलाएगा। अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट किसे कहें। नेट प्रॉफिट का तात्पर्य है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। बात आई ऑपरेटिंग इनकम और उसमें से आपने कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए। व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो खर्चे हैं वो घटाए जाएंगे। व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों से जो आय होगी, ऑपरेटिंग इनकम, उसको हम शामिल करेंगे। उसके बाद जो लाभ आएगा वो कहलाएगा शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्षतिपूर्ति की अवधि, इंडेमनिटी पीरियड, ये क्या होता है। क्षतिपूर्ति की अवधि से तात्पर्य है आग लगने के कारण व्यवसाय के उत्पादन या बिक्री में पूर्ण अथवा आंशिक व्यवधान पड़ने की आशंका है। क्षतिपूर्ति की अवधि जो निम्नांकित में से सबसे कम होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। आग लगने के कारण वास्तविक व्यवधान, पॉलिसी में वर्णित अवधि, अधिकतम 12 माह। साधारण शब्दों में हम समझें तो ये है क्षतिपूर्ति की अवधि, यानी कि आग लगने के पश्चात आपका व्यवसाय कितने दिन या कितने महीने बंद रहेगा या आंशिक रूप से बंद रहेगा। मान लीजिए आपने जब इंश्योरेंस करवाया तो उस वक्त आपने क्षतिपूर्ति की अवधि कहा 3 माह, अर्थात यदि आपके व्यवसाय प्रतिष्ठान में आग लग जाती है तो आपका 3 महीने तक उस व्यवसाय को पुनः उसी स्थिति में, पुरानी स्थिति में आने में जो समय लगेगा वो 3 महीने लगेगा। तो क्षतिपूर्ति यानी कि इंडेमनिटी पीरियड वो कहलाएगा 3 मंथ्स, इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स। लेकिन आपने प्रयास अच्छे किए और आपने वो कार्य जो 3 महीने में होना चाहिए था उस व्यवसाय को पुनः संचालित करने में, उसी स्थिति में लाने में
दो माह ही लगे, तो वास्तव में आपकी इंडेमनिटी पीरियड कितना हो गया? 2 माह। आपने जब इंश्योरेंस करवाया तो आपका अवधि थी 3 माह, लेकिन व्यवसाय में व्यवधान या डिस्ट्रप्शन जो रहा वो रहा 2 माह वास्तविक। तो उस स्थिति में आपका इंडेमनिटी पीरियड माना जाएगा 2 माह। ये अधिकतम 12 माह तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो साधारणतः हम देखते हैं कि वास्तविक जो व्यवधान की अवधि एवं पॉलिसी में वर्णित व्यवधान की अवधि और अधिकतम 12 माह, इन तीनों में से जो कम अवधि होती है उसी को हम इंडेमनिटी पीरियड मानेंगे। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत एक आता है विशेष परिस्थिति वाक्य, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसके अनुसार चालू वर्ष में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके कारण चालू वर्ष में गत वर्ष की तुलना में अधिक या कम बिक्री होने की संभावना लगती है, तो चालू वर्ष के व्यवधान समय की लाभ की हानि की राशि विशेष परिस्थिति वाक्य को ध्यान में रखते हुए गणना की जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वर्तमान में COVID-19। आपने या किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो है विशेष परिस्थिति वाक्य को ध्यान में रख के, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के, COVID-19 की जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रख के हम जो है गणना करेंगे। थैंक यू।